नमस्कार बच्चों, मैं हरी सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाए चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए यहां पर जो लिखा है, यहां पर लिखा है x/3+1 और इज इक्वल टू, इधर लिखा है 7/15, 7/15। ठीक है बच्चों, आइए इसको सोल्व करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी ठीक उसी तरह है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप हम इसको करते जाएंगे। पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ एक बार फिर और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आपको करना क्या है कि x/3 को लिखिए, रहने देना है, और इक्वल 7/15 आपको लिखना है। सबसे पहले इस प्लस वन को इधर लेके आए, इधर ही प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो गया, तो इधर हम माइनस वन लिख देते हैं। अब देखिए 7/15 माइनस वन, इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं, तो आप वन लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है रैशनल नंबर के नीचे वन हमेशा होता है। अगर कोई न्यूमेटर दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर के फॉर्म में एन वन होता है। ठीक है बच्चों, आइए हम इसको करते हैं। पहले इसको अभी यूं क्यों लिखिए, और 15 और 1 का हम एलसीएम लेंगे बच्चों। 15 और 1 का एलसीएम लिए, 15 आ गया, 15 को 15 से डिवाइड करते हैं, 1 पे जाता है, और 1 7 जा 7। ठीक है बच्चों, ये अब 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 की टेबल अगर ले तो 15 पे जाएगी, 15 1 जा 15, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी एलसीएम आता है डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, और जितना आंसर आया उस आंसर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है आपको। आइए बच्चों आगे करते हैं, x/3 इज इक्वल, आप 15 में से 7 माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 8, और बड़े नंबर के सामने माइनस का, इसलिए माइनस का 8 लिखेंगे, और बाई 15। ठीक है बच्चों, आइए इसको आगे कर लेते हैं थोड़ा सा, x=-8/15। अब देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसलिए मैंने x लिखा, 3 नहीं लिखा, 3 इधर डिवाइड की फॉर्म में, इधर आकर ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा। और जब मल्टीप्लाई की फॉर्म में आता तो हमेशा न्यूमेटर की फॉर्म में आता इधर, ठीक है, डिनोमिनेटर में नहीं लिखना है। अब इसके नीचे आप 1 इसमें ले सकते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई की फॉर्म में न्यूमेटर से डिनोमेटर कट सकते हैं आपस में, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये सिर्फ मल्टीप्लाई में कटते हैं ओनली, कभी आप माइनस प्लस में काटें तो नहीं कटेंगे। तो -8/5 ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें। ये यूनिट ख़त्म हो चुकी है बच्चों, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप इसमें से सीखकर दूसरे गरीब बच्चों को जरूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।